हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चमकते सितारे। सो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम फंडामेंटल राइट। पॉलिटिकल का ये हमारा एक पार्ट है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा ही जाता है, खास करके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में और सभी एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो परसेंट उठा लिया ही जाता है फ्रेंड्स। सो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अगर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के मौलिक अधिकार। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत ध्यान से सुनना है, हम आपको इस वीडियो में क्या क्या सिखाएंगे, हर एक बात ध्यान से सुननी है। संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। ये पूछेंगे कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में किया गया है, तो इसका आपको राइट आंसर है भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद तक किया गया है फ्रेंड, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, पहले है ना, मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कौन से अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार लीगल राइट्स में रखा गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 301 के अनुसार किसको, संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकारियों की श्रेणी में से तो हटा दिया गया है और वैधानिक श्रेणी में रख दिया है। मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन हो सकता है, संसद के द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। क्या कहा गया कि संसद के द्वारा है ना मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, और मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है संसद के द्वारा। ये आपको याद रखना फ्रेंड, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, वो होता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है मूल अधिकारों का संरक्षक। और ट्रिक है फ्रेंड, ये एक छोटी सी स्टोरी बनाई है फ्रेंड्स हमने, स्टोरी के माध्यम से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। तो देखिए हमने क्या स्टोरी बनाई है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। दो लड़के थे ई और एफ नाम के, उन्होंने क्या किया, शोध किया। उन्होंने शोध किया किस पर, शिक्षा पर। उन्होंने शिक्षा पर शोध किया कि शिक्षा तो बहुत ही ज़रूरी है और तो इसके लिए हमें कुछ अधिकार चाहिए। तो इन ई और एफ नाम के दो लड़के थे, उन्होंने शोध किया किस पर, शिक्षा पर। यह बात आपको ध्यान रखनी है, इसके माध्यम से आप को मतलब ट्रिक अच्छी लगेगी और आपको याद भी हो जाएंगे बहुत इजीली। देखिए फ्रेंड, अब हमारी ट्रिक को हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। ई से बन जाएगा इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, ये दिया गया अनुच्छेद 14 से 18 में। एफ से बन जाएगा फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, ये दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 में हमें। शोध से, यानी कि शोध से बन जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि एक्सप्लोटेशन के विरुद्ध में अधिकार, ये दिया गया है 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 में एक्सप्लेन किया गया। धय से बन जाएगा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा से बन जाएगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये दिया गया 29 से 30 में। तो फ्रेंड ये आपको इजीली याद हो जाएगा फ्रेंड, और आपको ये याद रखना ही होगा फ्रेंड। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। सोच रहे होंगे फ्रेंड कि अनुच्छेद मौलिक अधिकार तो 6 होते हैं, यहाँ पर हमने 5 ही बताए हैं, तो एक हमने स्पेशल रखा है फ्रेंड अलग से, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी, जिसे संविधान की आत्मा कहा है, वो इसलिए स्पेशल है फ्रेंड, इसलिए हमने अलग से रखा है। ये 5 तो मौलिक अधिकार हो गए, और 6ठा मौलिक अधिकार है संविधान उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है फ्रेंड, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे।
संविधान उपचारों का अधिकार, इसका मतलब होता है फ्रेंड अगर ये कौन से भी हमारे पांच अधिकारों में से कोई भी अधिकार का अगर उल्लंघन होता है ना, तो वो आर्टिकल 32 के द्वारा इनकी संविधान का उपचारों का अधिकार का प्रयोग हम करते हैं फ्रेंड। और इसे भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि ये संविधान की आत्मा है। तो फ्रेंड्स आप सोच रहेंगे अब इतने सारे अनुच्छेद इनको कैसे याद करेंगे, तो इनकी भी हम आपको ट्रिक बताएंगे कैसे याद करनी है। देखिए ट्रिक कि फ्रेंड आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो हम आपको बता रहे हैं आप उसी को ध्यान से सुनते जाइए। तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 17, 24, 25 और 32। तो फ्रेंड्स हमारे एग्जाम में मैक्सिमम है ना यही पूछे जाते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए आपको ये तो ध्यान में रखने ही होंगे और आपको याद हम करवा ही देंगे। सो फ्रेंड्स आप डरिए मत, चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का अधिकार, स्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया है। आर्टिकल 24 में क्या दिया गया है फ्रेंड? आर्टिकल 24 में बताया गया है कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कार्य पर रखने पर प्रतिबंध है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम है ना कारखानों में काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 25 में दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कि हम कौन सा भी धर्म अपना सकते हैं। आर्टिकल 32 में है संविधान उपचारों का अधिकार, यदि हमारे कौन से भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32 का यानी कि संविधान उपचारों का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन बनता है तो फ्रेंड इन ही चारों आर्टिकल्स में से हमारा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर। कि फ्रेंड्स अब हमने है ना पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है, अगर अब भी आप समझ नहीं सकते ना तो फिर कभी समझ ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ट्रिक कैसी लगी। और अब हम आपसे पिछले ईयर्स के हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे उनको एक एक करके आपने आंसर बताना है कि उसका राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है, यानी कि भारत का संविधान भाग 3 किससे संबंधित है? तो ये है मूल अधिकारों से संबंधित। आपका स्कोर भी कमेंट बॉक्स में करके बताना फ्रेंड्स आपका स्कोर कितना बन रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये कितना इजी क्वेश्चन था। तो भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ने मूल अधिकार का हिस्सा था बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मूल अधिकार का हिस्सा थे मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबन नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी उपस्थिति में निलंबन नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निलंबित किया जा सकता है, इमरजेंसी के टाइम में किया जा सकता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अनुमूलन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते फ्रेंड, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 के द्वारा बच्चों के शोषण से संबंधित है, और 14 वर्ष तक के आयु से कम बच्चों को हम कारखानों में काम पर नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 8, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं फ्रेंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो 25 का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन से बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? ये हमने आपको बता ही दिया था फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान निक उपचारों का अधिकार, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अब ये एक लीगल अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया जा सकता है? तो ये कब खत्म किया जा सकता है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक है, संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार फ्रेंड, यानी कि लीगल राइट्स है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 13 तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 ये हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार कौन सा नहीं है, आप सभी को पता है फ्रेंड, ये कई बार आ भी चुका है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये एक वैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सा सक्षम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संसद। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये इसमें सक्षम है फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको बहुत अच्छे से हमें आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये हर बार है ना किसी न किसी एग्ज़ाम में तो पूछ ही लिया जाता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसलिए हमने आपको ट्रिक के माध्यम से करवाया है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।